उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज शिवसेना के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी और SSP को प्रेषित किया है। DM को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष नए पाठ्यक्रम व ड्रेस बदलने पर रोक लगाई जाए। प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष डोनेशन और मासिक शुल्क वृद्धि और नए एडमिशन के नाम पर धन वसूली को तत्काल रोका जाए। प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष बिल्डिंग निर्माण, पंखा, कूलर, कंप्यूटर लगवाने व अन्य सुविधाओं के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए आदि विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की है। तो वहीं SSP को भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2016 में पार्टी पदाधिकारी दिनेश राव की खुलेआम हत्या कर दी गई थी, जिसका मुकदमा 165/2016 धारा 302 IPC में दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा FIR लगा दी गई थी। उपरोक्त मुकदमे की पुनः विवेचना किसी अन्य थाने से करवाने की शिव सैनिक मांग करती है एवं बीते दिनों पार्टी कार्यकर्ता अनुज सैनी को भी उसकी ही पत्नी शकुंतला ने गायब कर मंजूला थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी थी, जो बाद में तरमीम होकर मुकदमा संख्या 475/19 धारा 364 IPC में दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी शकुंतला से हमसाज होकर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। शकुंतला ने लगभग 4 वर्ष पहले अपने ससुर मिश्री सैनी को भी इसी तरह से गायब कर दिया था, जो आज तक नहीं मिले। इस संबंध में शिवसेना मांग करती है कि इस मामले की अन्य थाने से जांच कराकर शकुंतला से सख्ती से पूछताछ कराकर अर्जुन सैनी को सकुशल बरामद किया जाए आदि मांगों को लेकर SSP से मिले हैं और शिकायती पत्र प्रेषित किया है। SSP कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर थाना मंझोला अंतर्गत पार्टी पदाधिकारी दिनेश राव की लगभग 5 वर्ष पहले हत्या हो गई थी, उसके हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। 3 वर्ष पहले पार्टी कार्यकर्ता अर्जुन सैनी व उसके बाप मिश्री सैनी को उसकी ही पत्नी शकुंतला सैनी ने गायब करा दिया था, जिसका थाना मंझोला में अपहरण का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने आज तक उसके भी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया। थाना मंझोला अंतर्गत गांगन पर अवैध बाजार लगता है, इससे हटवाने की मांग करते हैं। राम तलैया चौकी इंचार्ज संजय कुमार के संरक्षण में अवैध वसूली का कार्य होता है, जुआ सट्टा शराब गैस रिफिलिंग का कार्य होता है, क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है, इस पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग करते हैं। शीघ्र ही अगर उपरोक्त मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो शिव सैनिक अनिश्चितकालीन के लिए DIG कार्यालय मुरादाबाद पर